दोस्तों, यहाँ जैसे आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम एम्प्लॉई नेम उसके मंथ दिए गए हैं। अगर मैं एम्प्लॉई नेम को यहाँ पर चेंज करता हूँ, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ देखिए डेटा भी हमारा हाईलाइट हो जाता है साथ में। और अगर ऐसे ही हम मंथ चेंज करेंगे तो मंथ में भी हमारा डेटा हाईलाइट होगा। यानी कि जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पर हमें वो डेटा मिल भी रहा है। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें हुई कैसे, चलिए वो सीखते हैं। यहाँ पर हम एक यूज़ करने वाले हैं वी लुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन, वो सीखते हैं। सबसे पहले वी लुकअप लगाया आपने यहाँ पर। वी लुकअप में सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ हम देंगे एम्प्लॉय का नेम, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे में आप इस पूरी इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसके साथ हम लगाएंगे मैच फंक्शन। मैच के बाद टैप करेंगे, सबसे पहले आता है मैच में लुकअप वैल्यू, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे मंथ का नेम, कॉमा लगाएंगे। फिर आता है लुकअप एरे, यहाँ पर हम एम्प्लॉय से लेकर, क्योंकि एम्प्लॉय भी हम फाइंड कर रहे हैं, जितने मंथ हैं हम वो सारे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद देंगे हम यहाँ पर जीरो एक्जैक्ट मैच के लिए, क्योंकि हमें रिजल्ट एक्यूरेट चाहिए, कॉमा लगाएंगे। फिर कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए, वी लुकअप के एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर फॉल्स देंगे। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और आपको करना है एंटर। इसके बाद जो भी आपका डेटा था वो प्रॉपरली वैसे ही काम करने लगा। ये देखिए माइकल का रिजल्ट आ गया, एंड पीटर का रिजल्ट है। इस तरीके से जो भी नेम आप डेटा वहाँ से लेंगे वो आ जाएगा, और नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो मंथ में भी वो डेटा हाईलाइट होता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और